हेलो फ्रेंड्स, CSIR दिसंबर 2017 में क्वेश्चन आया था, जिसमें जो है ये कंपाउंड दिया गया है, I2 है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेस दिया हुआ है, और DBU जो है एक हिंड्रेड बेस दिया गया है। इसमें इससे रिएक्ट करवाने के बाद हमें पता करना है कि ए क्या हो सकता है और DBU जो है उसके प्रेजेंस में बी क्या हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा देख रहे हैं, यहाँ पर फोर ऑप्शन दिया हुआ है, और इस फोर ऑप्शन में से कौन सा सही होगा इसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हम देखेंगे। अब जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, यहाँ का I2 है, I2 को हम ऐसे लिख सकते हैं I एंड I, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगा, I जो होगा या डबल बॉन्ड जो होगा वह I पे अटैक करेगा, और फिर यह डबल बॉन्ड पे आई पे अटैक करेगा, यह आई क्या होगा बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर हमें दोस्तों देखना है कि इसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो सकता है। स्टीरियो केमिस्ट्री हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं, जो आयोडो लैक्टोनाइजेशन होगा, तो ये इसे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोडो लैक्टोनाइजेशन, आयोडो लैक्टोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं दोस्तों। यहाँ की आई की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, यह अबव द प्लेन रख सकते हैं और बिलो द प्लेन भी कर सकते हैं। इसका मतलब पाई बॉन्ड जो है वो बिलो से भी अटैक कर सकता है और अबव से भी अटैक कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर नहीं गिवेन है, ठीक है दोस्तों। अब इसलिए हमें कोई बिकॉज जो है कोई क्वेश्चन में कह सकते हैं कि बिलो द प्लेन बना के दिया हुआ है, इसलिए हमें बिलो द प्लेन हमने यूज किया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या है दोस्तों, आगे क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट है, NaSCO3 क्या है दोस्तों, यह एक बेस है, क्या है, यह एक बेस है। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा, और प्रोटॉन कहाँ का लेगा, ए वाला प्रोटॉन लेगा दोस्तों। तो अगर जो है वहाँ का देखते हैं, प्रोटॉन ले लेगा तो क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ आई बिलो दी प्लेन पॉजिटिव चार्ज एंड सी डबल वन वो निगेटिव होगा दोस्तों। अब यह निगेटिव जो होगा दोस्तों वह क्या करेगा, आयोडीन को क्या करेगा, रिंग ओपनिंग करेगा, यहाँ पर क्या होगा अटैक करेगा, और यहाँ दोस्तों क्या होगा, यह आयोडीन का जो है आई प्लस से जो होगा ब्रेक टू हो जाएगा और आई बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी रिंग ओपनिंग हो जाएगी, जो ट्राई मेम्बर साइक्लिक रिंग है तो वह क्या होगा ओपन हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं आगे क्या होगा। अब यहाँ पर दोस्तों यह क्या होगा, बिलो द प्लेन आई है, बिलो द प्लेन क्या है आई हो जाएगा, और यहाँ पर यह देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है, अगर यह बिलो द प्लेन है आई क्या है, अगर बिलो द प्लेन है इट मीन्स क्या है, यह जो ऑक्सीजन जो अटैक करेगा या एबव द प्लेन यानी ऊपर से अटैक करेगा, बिकॉज क्या होगा जो यहाँ पर बिलो द प्लेन है, इसका मतलब है कि इसका एंटीबॉन्डिंग जो होगा, एंटीबॉन्डिंग जो होगा वो एबव द प्लेन होगा, इसलिए ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन का जो निगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा एबव द प्लेन क्या करेगा अटैक करेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेगा कह सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप से यहाँ हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो सकता है दोस्तों, अब यहाँ भी क्या होता है दोस्तों, यहाँ एक हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, यहाँ यहाँ एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ हाइड्रोजन जब यह वो ऑक्सीजन जो है एबव द प्लेन से अटैक करता है, तो यह हाइड्रोजन क्या होता है बिलो द प्लेन चला जाता है, बिलो द प्लेन चला जाता है, जो कह सकते हैं कि यह जो है प्रोडक्ट ये है, यह जो आपका प्रोडक्ट ये मिल गया दोस्तों। अब क्या किया गया है, अब दूसरा जो जो दिया है वह DBU है, DBU का जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगर मतलब जो स्ट्रक्चर है, या DBU है या एक जो है हिंड्रेड बेस है, क्या है दोस्तों, हिंड्रेड बेस है, आर कह सकते हैं, या माइल्ड बेस भी बोलते हैं, माइल्ड बेस है, या बहुत ही स्ट्रिक्टली हिंडर होने की वजह से क्या होता है, यह नॉन न्यूक्लियोफिलिक भी होता है, नॉन नॉन न्यूक्लियो फ्लिक इन नेचर होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है दोस्तों।
अब क्या करते हैं, डीबो क्या होगा, एक बेस होगा। अब बेस क्या करेगा, बेस जो है क्या करेगा, यह हाइड्रोजन निकालेगा। अब यहाँ देखना है दोस्तों, हाइड्रोजन यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या करता है, DBU अगर प्रेजेंस में है तो यह क्या करता है, डी हाइलोजिनेशन करता है। तो डी हाइलोजिनेशन करता है यहाँ पर, डी हाइलोजिनेशन। अब डी हाइलोजिनेशन करेगा, इसका मतलब क्या है, आयोडीन निकलेगा यहाँ से। अब यहाँ देखना ये पड़ता है दोस्तों कि यहाँ पर जो है यह हाइड्रोजन निकलेगा या ये हाइड्रोजन निकलेगा। अब यहाँ देखते हैं कि अगर यह हाइड्रोजन क्या है, यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है यह क्या होगा, रिजोनेंस में आ जाएगा। रिजोनेंस की वजह से क्या होगा, यह स्टेबलाइज होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों यह जो हाइड्रोजन या जो DBU होगा, यह हाइड्रोजन को निकालता है जिसे इनोन का फॉर्मेशन होता है। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इनोन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि DBU वहां से ही हाइड्रोजन को रिमूव करेगा जहाँ पर इनोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से बनेगा दोस्तों, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन क्या होगा, यह बिलो दी प्लेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ क्या देखना है, यहाँ पर यह देखना है कि जो ये आयोडीन है, आयोडीन क्या होगा यहाँ कि यहाँ पर आप जैसे आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, इपोक्साइड का जो रिंग है, सॉरी आयोडो इलेक्ट्रोनाइजेशन जो हुआ था, तो आयोडीन का जो रिंग बना था, 3 मेंबर रिंग बना था। तो हम क्या होगा, या जब ब्रेक होगा तो क्यों, बिकॉज क्या है, यह एबव द प्लेन है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, वो सॉरी यह जो आयोडीन है वह बिलो द प्लेन है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, वह एबव द प्लेन अटैक करेगा। अब एबव द प्लेन अटैक करेगा तो आयोडीन क्या होगा, वह बिलो जाएगा, और यह ऑक्सीजन जो होगा वो अबव द प्लेन में बॉन्ड बनाएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ इसका जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। इसका मतलब यह हो गया कि जो ऑक्सीजन है और यह जो हाइड्रोजन है, इस दोनों की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वह क्या है दोस्तों, एंटी है। तो दोस्तों हमें यहाँ देखना है कि एंटी कौन सा होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है आयोडीन है बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन भी बिलो द प्लेन है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन एबव द प्लेन होगा। ऑक्सीजन एबव द प्लेन होगा, इसका मतलब आयोडीन और ऑक्सीजन क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी होंगे, इसका मतलब है ये आंसर सही है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, आयोडीन क्या है, बिलो द प्लेन है, यहाँ हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा वो एबव द प्लेन होगा, इसका मतलब यह भी सही है। अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन क्या है, यह एबव द प्लेन है, देखिए हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन दिया हुआ है, और ऑक्सीजन क्या है, एबव द प्लेन दिया हुआ है, यहाँ भी एबव द प्लेन है, इसका मतलब क्या है यार दोस्तों, आंसर गलत है। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन क्या है, यह हाइड्रोजन जो है बिलो द प्लेन है, इट मीन्स क्या है, यह ऑक्सीजन जो है एबव द प्लेन होगा, और आयोडीन क्या है, यह भी एबव द प्लेन है, ये दूसरे के सिन है, इसलिए यह भी गलत है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है थर्ड एंड फोर्थ आंसर गलत हो गए। अब देखते हैं DBU, DBU क्या है, एक हिंड्रेड बेस है, आपको बताया कि अगर पॉसिबिलिटी है तो इनोन का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ देख रहे हैं या इनोन का फॉर्मेशन करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यह डबल बॉन्ड क्या है, कंजुगेशन में है। तो यह कह सकते हैं, अगर वैसे आपको DBU का अगर पता है कि अगर यह बेस है कहाँ से निकालेगा, उसकी स्टेबिलिटी हम इसके रिंग से ही पता कर सकते थे कि यह जो है डबल बॉन्ड है या कंजुगेशन में होगा, कंजुगेशन में है, इट मीन्स क्या है, यह स्टेबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि इसका सेकेंड आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है, और फर्स्ट आंसर गलत है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।